हाय गाइस, तो अभी हम लोग हैं आगरा में और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं। हम लोग इंडिविजुअल रेस्टोरेंट का रिव्यू नहीं करते, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट बहुत रिकमेंडेड है हम लोग को, जो है सॉल्ट कैफे, और इसका जोमेटो का रेटिंग है 4.9 एंड ट्रिप एडवाइजर रेटिंग इज 5। तो ऐसे बहुत ही कम में हमने खाया है जिसका 4.9 रेटिंग है एंड इट लिव अप टू इट्स रेपुटेशन। ऐसा भी होता है, बहुत ही कम है। एक बॉम्बे में है मिर्ची एंड माइम, जो बहुत ही रिकमेंडेड है और वहाँ पे हमने खाया था, उसका भी अमेजिंग एक्सपीरियंस था। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि वही एक्सपीरियंस यहाँ पे भी हमको मिले, और हम लोग क्वाइट इंट्रीग्ड हैं कि यहाँ पे एक कुछ कुछ चीज़ें जो मिलता है जो आपको राजा जैसा फील कराएगा, जो कि आप जाके अंदर आपको हम बताते हैं। चलो चलिए। तो गाइस, हमने सुना कि इसका जो रूफटॉप रेस्टोरेंट है वो सैंटोरिनी थीम है, तो हम लोग तो उसका जज हो सकते हैं, बिकॉज हम लोग सैंटोरिनी में काफ़ी टाइम स्पेंड किया है हमने, तो आके देखते हैं। लग रहा है यार, लग रहा है। एम्बियंस बहुत अच्छा है ना, पूरा सैंटोरिनी जैसे एक्चुअली किया है, वाइट ब्लू लग रहा है। ऊपर में सेंटर में जैसा वाइब तो है, पर थोड़ा नॉइज हो रहा है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा क्वाइट एरिया में आ गए। जो उनका नीचे का और एक फ्लोर है वो काफ़ी यूज है यहाँ पर। और रोजा, आर यू एक्साइटेड फॉर द दिस? यस। सो गाइस, जैसे मैं नीचे बोल रहा था कि राजा जैसा फील होने के लिए ही हम लोग आए हैं, तो सरप्राइज है हमारे लिए भी और आपके लिए भी सरप्राइज ही है, क्योंकि हम लोगों ने भी कैसे वो वाला टाइप के डिश कभी नहीं ट्राई किया। होपफुली आप लोगों ने अगर कभी किया होगा तो हमको बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर दैट डिश। रोजा, हाउ एक्साइटेड आर यू? वेरी एक्साइटेड। अभी आएगा तो ही पता चलेगा। आ गया है डिश। कैन यू आइडेंटिफाई क्या है इसमें? So guys, these are all gold dusts. तो ये प्योर गोल्ड है यहाँ पे, और मैंने कभी मेरे लाइफ में गोल्ड खाया ही नहीं है, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई वुड बी ट्राइंग गोल्ड। रोजा, तुमने कभी गोल्ड खाया है? खाया है। कहाँ पे? अरे वो गोल्ड लीफ आता है ना मिठाई के ऊपर, उसके ऊपर मिठाई के ऊपर गोल्ड लीफ नहीं आता, 24 कैरेट वाला जो गोल्ड लीफ आता है वो खाया है, कुछ टेस्ट नहीं रहता है नो, बट वो रॉयल फीलिंग तो आती ही है। सो अभी देखते हैं कैसा है। सो दिस इज द गोल्ड बाइट आई वुड बी टेकिंग। कितने रुपए का होगा ये बाइट? रोजा, चम्मच होगा कुछ 100-200 का, 100 का ही होगा अभी। लेट मी टेक द गोल्डन बाइट ऑफ द दाल। गोल्ड के लिए वाव नहीं, वाव फॉर द टेस्ट। दिख रहा है बहुत क्रीमी, क्रीमी भी है और स्मोकी भी है। वाव, द बेस्ट दाल आई हैव एवर टेस्टेड। वाव, गोल्ड के लिए एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, गोल्ड का कुछ भी टेस्ट नहीं है। Nothing as was suggested. The dal is the gold. Oh wow, dal ka taste wow. Notes hai isme, upar niche ho raha hai taste mein, flavor mein. So guys, I'm not a dal person, but this is a really good dal. Matlab gold to unhone aise hi decoration ke liye dala hai, but the real star is the dal itself. बहुत टाइम कुक हुआ है ये, दैट्स व्हाई इट इज सो क्रीमी एंड स्लो फ्लेवरफुल। और ये रेस्टोरेंट का यही स्पेशलिटी है, मतलब दे आर नोन फॉर द गोल्ड दाल, एंड आई विल से दैट डिड नॉट डिसअपॉइंट अस। सो गाइस, ये काली दाल है और काली दाल बहुत फास्ट इन्होंने लगा दिया, तो आई अंडरस्टूड इन्होंने शायद ओवरनाइट इसको कुक किया है। आई हैव ट्राइड मेकिंग काली दाल प्रायर, मुझे पता है काली दाल कितना टाइम और इफर्ट लेता है, तो मिनिमम इसको उन्होंने शायद 5-6 आवर्स तो कुक किया ही है,
और मुझे बहुत ही हल्का सा सैफ्रन का भी टेस्ट आया, और बटर है, बहुत सारा बर्बर की क्रीम है इसमें, अमेजिंग। ऐसा फ्लेवर, इतना अच्छा फ्लेवर लास्ट मुझे अमृतसर में मिला था, मुझे वो अमृतसर का पूरा याद आ गया कि पंजाब वाला जो फील है और टेस्ट है, इतना क्रीमी होना चाहिए आपका दाल, उतना ही क्रीमी है, और उससे कहीं ज़्यादा वो जो स्मोकी फ्लेवर, उसका जो फ्लेवर आ रहा है वो एकदम, वो हल्का सा जैसे दाल को मुँह में लोगे उसके बाद वो हल्का हल्का सा वो आएगा कि अच्छा, वो स्मोक का फ्लेवर आएगा, बहुत सही लग रहा है। क्या है रोजा? ये हॉट चॉकलेट ब्राउनी विद वनीला आइसक्रीम। वाव, ब्राउनी इज रियली सॉफ्ट, और ब्राउनी प्लस आइसक्रीम का कॉम्बो तो खराब कर ही नहीं सकते हम। रियली अमी, ओह माय गॉड, ब्राउनी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है, और ऊपर का वो क्रिस्पीनेस भी है। आई एम लविंग दिस। तुमको ये नहीं मिलेगा वैसे? अरे चाहिए मेरे को यार। नहीं दे सकते मैं यार। क्यों, तुमने कम दाल खाई खाया इसलिए क्या? वाओ, ये जस्ट टू गुड। सो गाइस, फूड वाज रियली गुड। दिस प्लेस लिव्ड अप टू इट्स रेपुटेशन, इट्स साइड 4.9 जस्टिफाइड है आई वुड से। मैं तो बोलूंगा कि अगर आगरा आ रहे हैं आप लोग तो डेफिनेटली वो दाल तो ट्राई करिए ही, बहुत 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 अच्छा लगा मुझे वो दाल, और डेजर्ट भी बहुत ही अच्छा था, इनक्रेडिबल था। आई एम प्रिटी श्योर कि वो सारे डिशेज इन लोग बहुत अच्छा बनाते होंगे, सो आई एम होपिंग कि वी विल बी बैक टुमारो एज वेल। कॉन्टिनेंटल ट्राई करना है हमको, सो वी विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट। बहुत ही अच्छा बिहेवियर है स्टाफ का, बहुत अच्छे से वो लोग समझा रहे हैं, या बहुत ही अच्छा आपको गाइड भी कर रहे हैं कि क्या खाना है, कैसा खाना है, सब रिकमेंडेशन आप लेके खा सकते हैं। सो डेफिनेटली मस्ट विजिट प्लेस है आगरा में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।